राष्ट्रव्यापी कोविड आउटरीच प्रोग्राम को पूरे देश में प्रारंभ करने को लेकर बोकारो के सेक्टर 4 स्थित बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा शनिवार को प्रधान कार्यालय में बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस के जनरल कोऑर्डिनेटर अशोक चौधरी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य राजेश ठाकुर तथा बोकारो जिला अध्यक्ष मंजूर अंसारी उपस्थित थे। वहीं प्रखंड वाइस अध्यक्ष व कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जहां इस बैठक के उद्देश्य के बारे में बताते हुए जनरल कोऑर्डिनेटर अशोक चौधरी ने कहा कि राष्ट्रव्यापी कोविड आउटरीच प्रोग्राम को पूरे देश में प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत बोकारो जिले के कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर इस कार्यक्रम को सफल कैसे बनाएं, जिसको लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत प्रखंड अध्यक्ष तथा कोरोना योद्धाओं के मदद से गांव में हम वैसे लोगों के बीच जाएंगे जो कोरोना से किसी न किसी रूप से प्रभावित हुए हैं, चाहे किसी के घर में कोरोना से मौत हो गई हो या कोरोना की बीमारी से ग्रसित हो या फिर आर्थिक रूप से परेशानी हुई हो। वैसे लोगों को सरकार की तरफ से क्या सुविधा मिली है या नहीं मिली है, इसके संदर्भ में जानकारी इकट्ठा कर रिपोर्ट को प्रदेश कांग्रेस या फिर अखिल कांग्रेस को देना है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों के बीच, प्रभावित लोगों के बीच सुख दुख बांटने के क्रम में उनके यहाँ पहुँचने का काम करेंगे, जिसका एक खाका तैयार कर जहाँ हमारी सरकार है वहाँ हम सरकार के माध्यम से और जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ केंद्र सरकार से आग्रह करके उनके सहयोग करने और मदद पहुँचाने का काम करेंगे, जिसके लिए 23 दिनों का आउटरीच प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हर प्रखंडों के अध्यक्षों को आगे आकर 10 कोरोना योद्धा बनना है और प्रतिदिन 10 घर जाकर सर्वे करना है और इस रिपोर्ट को जिला कंट्रोल रूम और प्रदेश कंट्रोल रूम को देना है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने मौजूदा वैक्सीनेशन की परिस्थिति पर कहा कि राज्य में वैक्सीनेशन का कार्य अच्छी तरह से किया जा रहा है। हमारी प्रयास रही कि हर पंचायत हर प्रखंड में वैक्सीनेशन कैंप लगाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आने वाले समय में भी वैक्सीन को लेकर हमारे स्वास्थ्य मंत्री लगातार प्रयासरत हैं। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रव्यापी कोविड आउटरीच प्रोग्राम का अभियान का एक प्रारंभ किया है पूरे देश में, जिसके तहत बोकारो जिला में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को एकत्रित करके इस कार्यक्रम को कैसे सफल बनाया जाए उसके लिए विचार विमर्श करने का आज का ही हमारा प्रखंड अध्यक्षों का बैठक था। इस कोविड आउटरीच प्रोग्राम के माध्यम से हम सब प्रखंड अध्यक्षों के माध्यम से और कोरोना योद्धा के माध्यम से गाँव में वैसे लोगों के बीच जाएंगे जो कोरोना से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से प्रभावित हुए हों या उनका स्वास्थ्य में उनको परेशानी हुई हो, बीमार हुए हों, किसी के घर में मौत हो गई हो, वैसे लोगों को क्या सुविधा मिली, क्या मिलनी चाहिए, मौत हो गई हो है तो क्या वो घर के एकमात्र कर्ता थे, इन सब जानकारियों को इकट्ठा करके हम लोग एक इस अभियान के दरमियान एक फॉर्म बनाकर पूरा रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस को और फिर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को देंगे। इसका मूल उद्देश्य यही है कि कांग्रेस पार्टी इस महामारी के दौर में आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच, जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बीच जो प्रभाव इस महामारी का पड़ा है उसका सुख दुख बांटने के क्रम में हम उनके यहाँ पहुँचने का कार्यक्रम बना रहे हैं और जहाँ संभव है जितना भी संभव है उनको किस प्रकार से सहयोग किया जाए उसके लिए एक खाका तैयार किया जा रहा है। जहाँ हमारी सरकार है वहाँ उस सरकार के माध्यम से और जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ हम केंद्र सरकार को आग्रह करेंगे कि जहाँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना में से प्रभावित लोगों को सहयोग और मदद किया जा सकता है उसी के लिए ये आउटरीच प्रोग्राम 30 दिनों का प्रोग्राम बनाया गया है, जिसमें हर प्रखंड में प्रखंड अध्यक्षों को आगे 10 कोरोना योद्धा बनाना है, प्रतिदिन 10 घर जाकर सर्वे करना है और पूरे प्रखंड को इस तरह से सर्वे करके एक रिपोर्ट बनाकर जिला कंट्रोल रूम और प्रदेश के कंट्रोल रूम को पहुंचाना है।